अम्ल किसे कहते हैं क्षार किसे कहते हैं अम्ल और क्षार में अंतर उदाहरण परिभाषा महत्वपूर्ण प्रश्न अम्ल किसे कहते हैं रसायन विज्ञान के महान वैज्ञानिक आर्नियस के अनुसार ऐसे पदार्थ जो जल में घुलने के बाद हाइड्रोजन एच प्लस देते हैं उस पदार्थ को अम्ल कहा जाता है अम्ल का पीएच मान सात से कम होता है उदाहरण सी एच थ्री सी ओ ओ एच एच सी एल एन एच एच एन ओ थ्री इत्यादि क्षार किसे कहते हैं ऐसे पदार्थ जो जलीय बिलियन में घुलने के बाद हाइड्रोक्साइड आयन यानी ओ एच माइनस देते हैं उस पदार्थ को छार कहते हैं ब्रो... ब्रो एस्टेड लरी के अनुसार छार ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी अम्र से प्रोटीन को ग्रहण कर लेते हैं लुइस के इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जो है चार ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन के जोड़े को स्वतंत्र रूप से प्रदान करने की क्षमता होती है अम्ल और क्षार में अंतर अम्ल जलीय बिलियन में घुलने के बाद हाइड्रोजन एच प्लस देते हैं क्षार जलीय बिलियन में घुलने के बाद हाइड्रो ऑक्साइड ओ एच आई माइनस देते हैं आम्ल का पी मान सात से कम होता है छार का पी मान सात से अधिक होता है अम्ल का स्वाद खट्टा होता है छार का स्वाद थोड़ा कसैला होता है छार को उदासीन कर लौड़ एवं पानी बनाते हैं अम्ल छार अम्ल को उदासीन करके लवण एवं जल बनाते हैं अम्ल कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं छार कार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है छाल छार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है